मायसेल्फ लोकेश कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज झालावाड़ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों का इस क्लास के अंदर स्वागत है। आज हम कोर्टोसिस और स्क्यूनेस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है द सेकेंड मूवमेंट अबाउट द मीन फॉर द टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 16 and 25 रेस्पेक्टली, वेयर इज देयर द सेंट्रल मूवमेंट्स और 12.8 एंड 31.25 रेस्पेक्टली कम्पेयर द स्क्यूनेस। तो फर्स्ट और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, म्यू टू 16 और सेकंड के लिए म्यू टू 25, म्यू थ्री इक्वल टू 12.8 और म्यू थ्री इक्वल टू 31.25। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू एल क्यू इक्वल टू 0.04 और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन निकाल देंगे 0.0625। तो ये वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ग्रेटर देन फर्स्ट, तो स्क्यूनेस सेकंड के अंदर ज्यादा होगी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द बॉयले कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। दे रखा है अपन को क्लास या बर्क्स 100, 120, 120, 140, 140, 60, 160, 180, 300 तक 20 का डिफरेंस है इसमें। एफ दे रखा है 4, 10, 16, 29, 52, 80, 32, 23, 17, 7। सी एफ निकाल लेते हैं इसकी, तो क्यू वन चतुर्थ तक एन वाई 4 67.5 किस्म आ रहा है 180 और 200 वाले ग्रुप में। क्यू टू निकाल देते हैं 2n/4 और क्यू थ्री 3n/4। तो चतुर्थ तक का फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर, वो फॉर्मूला है क्यू वन इक्वल टू एल प्लस एन बाई फोर माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। तो मान रखा है इसमें तो आया 183.27 और Q2 का मान रखा है L प्लस 2N माइनस 2N अपन 4 माइनस एफ स्मॉल एफ इंटू एच में, तो मान आया 206। Q3 का मान रखा तो बाउले कोफिशिएंट का जानते हैं अपन, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 अपॉन Q3 माइनस, मान रखने पर जो वैल्यू आएगी वो आपका बाउले कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो द फोर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल मूवमेंट्स अबाउट द मीन ऑफ द ऑर्डर और जीरो। तो सभी विषम अकेंद्रीय आघूर्णों का सममित बंठन के सापेक्ष मीन है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो फॉर एनी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक या सममित डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा वन हमेशा क्या होता है, जीरो। तो बीटा वन इक्वल टू म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यू, इसका मतलब म्यू थ्री बीटा वन जीरो होगा तो म्यू थ्री भी जीरो होगा तो म्यू वन भी जीरो होगा। तो म्यू आर इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स रेस्ट टू पावर आर, फिर r इक्वल टू 2m+1, तो म्यू 2m+1 इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन एफ आई एक्स माइन एक्स बार 2m+1। तो ऑल द स्टेप विल बी कट अप, जब इनको एक एक स्टेप करके जोड़ेंगे तो वो कटती जाएंगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल विल इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, क्योंकि बारंबार चर की बारंबारता हमेशा समान होती है जब माध्य से समान दूरी पर हो। तो म्यू वन इक्वल टू म्यू थ्री इक्वल टू म्यू फाइव म्यू टू एम प्लस वन इक्वल टू हमेशा क्या होगा, जीरो। तो विषम आघूर्ण संकेंद्रीय आघूर्ण क्या होंगे, जीरो। फाइंड द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट ए ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट ए ऑफ द एपी। एपी दे रखी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस एन माइनस डी, आंसर प्रूव द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स म्यू वन जीरो म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर आपको ये लाने हैं। तो एपी ए ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस एन माइनस डी, ये एपी हो गई आपकी। एक्स माइनस ए निकाला, यू इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन डी निकाला, एफ दे रखा है 1 1 1 सबकी बारंबारता क्या है 1 1, एफ यू एफ स्क्वायर एफ क्यू एफ यू 4 इनका समेशन निकाल दिया, समेशन एफ इक्वल टू हो गया एन, समेशन एफ यू इक्वल टू 0 1 2 प्लस 2 3 4 एन माइनस 1, तो एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, समेशन एफ स्क्वायर 1 स्क्वायर वर्गों का योग एन इंटू एन माइनस 1 2 एन माइनस 1 अपॉन 6। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं सारा, दसवीं ग्यारहवीं क्लास में ही पढ़ चुके हैं। और वर्गों का क्यू होता है एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और 4 होता है एन इंटू एन माइनस 1 6 एन क्यू माइनस 9 एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 अपॉन 30। तो समेशन एफ, समेशन एफ यू, समेशन एफ स्क्वायर, समेशन एफ यू क्यू, समेशन एफ यू 4 आ चुके हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं, म्यू आर इक्वल टू एच इंटू समेशन एफ यू आई आर अपॉन एन से निकालते हैं, तो म्यू वन डैश एन कट जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, म्यू टू डैश एन माइनस 1 2 एन माइनस 1 अपॉन 6 अपॉन डी स्क्वायर, म्यू थ्री डैश इक्वल टू एन एन माइनस 1 स्क्वायर 4 इंटू डी क्यू। तो चूंकि म्यू वन इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली ये ऑलरेडी जीरो ही के बराबर होता है, तो म्यू टू इक्वल टू म्यू टू डैश डी स्क्वायर इसमें मान रखा, तो म्यू टू इक्वल टू 1 अपॉन 12 एन स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर, म्यू थ्री इक्वल टू म्यू थ्री डैश 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश का होल क्यू
इसमें मान रखने पर म्यू थ्री आ गया जीरो और म्यू फोर इक्वल टू म्यू फोर डैश फोर म्यू क्यू म्यू डैश सिक्स ये निकालते हुए हैं अपने रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश। तो इस रिलेशन से जहां जहां म्यू वन म्यू डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश ऐसे वहां वैल्यू रखी तो म्यू फोर म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री म्यू फोर का मान आ गया, तो म्यू फोर इक्वल टू ये। तो धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अब हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।